और बच्चों की तरह मस्ती करता हूँ। के वहां से वहां की चले गए, जो पड़ोस में भी झांक झांक के भाई अपने करियर पे ध्यान दो। हाँ लड़के इधर आओ, लड़की इधर आ। रामगढ़िया रामगढ़िया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मैंने सोचा कि आज कमेंट पढ़ देता हूं आपके प्यारे प्यारे, जो कि आप हमेशा करते हैं। तो भाई मैं कमेंट पढ़ने जा रहा हूं। तो सबसे पहला कमेंट है @simmybabuta का, तुम भी किसी बच्चे से कम नहीं हो, फुल मस्ती हो रही है, कोमल को देखकर पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो नेगेटिव लोगों को इग्नोर करो, यहाँ जलने वालों की कमी नहीं है, तुम्हारी अपनी पहचान है, सो चिल मारो, खुश रहो, खूब तरक्की करो। तो थैंक यू सो मच सिम्मी बबूता जी, आपने बहुत ही प्यारी बात कही है। और वैसे मैं बच्चे से कम बिल्कुल नहीं हूँ, अगर मुझे आप रियल में देखे तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिविटी करता हूँ और बच्चों की तरह मस्ती करता हूँ। इग्नोर तो मैं बहुत ज्यादा करता हूँ नेगेटिव लोगों को। रही बात जलने की, तो भाई मुझसे क्या ही जलना, कलाकार हूँ और इतना बड़ा कलाकार भी नहीं, छोटा मोटा कलाकार हूँ, एंटरटेनमेंट करता हूँ, ये ऐसा कोई खास मैं जलाने के लिए कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि यार मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां और जो है, मैं तो बहुत सिंपल सा कलाकार हूँ यार, तो जलने वाली तो ऐसी कोई चीज नहीं है। थैंक यू सो मच सिम्मी बबूता जी, बहुत ही प्यारा कमेंट था आपका, ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट कमेंट है हमेशा की तरह @AmandeepKaur का, आपके हर व्लॉग की तरह ये व्लॉग भी बहुत अच्छा था भाई, आप बहुत मेहनत करते हो, इतनी गर्मी में घर से निकलने को दिल नहीं करता, तो आप हमें रोज के व्लॉग में कुछ ना कुछ न्यू दिखाते हो, तो दिल से धन्यवाद भाई आपका, खूब तरक्की करो, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा अमनदीप कौर जी। और देखो व्लॉग बनाना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, आप लोग वेट करते हैं व्लॉग का। और गर्मी सर्दी की बात क्या है, गर्मी तो देखो है ही, तो काम करने वाले इतनी गर्मी में बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो तंदूर पे रोटी बनाते हैं होटल में, वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो देखो ये तो फिर भी एक ऐसी चीज है कि हम चल रहे हैं और आपको अपनी रूटीन दिखा रहे हैं, इसमें इतना मेहनत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक हम बातें शेयर कर पाए, जितना घूम रहे हैं वो सब चीज आपसे शेयर कर पाए। थैंक यू सो मच इतने सारे हार्ट्स भेजने के लिए संदीप कौर जी। तो मैं नेक्स्ट कमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। नेक्स्ट कमेंट है @MadhubalaMeena का, कोमल आपकी फ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड पर ये अच्छी है और उनकी वॉइस भी बहुत अच्छी है और आपको देखकर अच्छा लगा, आप ऐसे ही खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मधुबाला मीना जी। और कोमल जो है मेरी फ्रेंड है, उसके साथ ये लगा लो कि दिल्ली में काफी टाइम तक मैंने काम किया है, बाकी रही बात गर्लफ्रेंड की तो पता नहीं कुछ नहीं पता समय का, बाकी मुझे गर्लफ्रेंड भी ऐसी चाहिए जैसी वो है, जैसा उसका नेचर है, जैसी मतलब उसकी बातें हैं, बहुत ज्यादा पेशेंस रखती है, देख रही होगी वो भी व्लॉग। थैंक यू सो मच मधुबाला जी। नेक्स्ट कमेंट है @FabulousNeetu का, इससे बेटर तो आप एडवेंचर आइसलैंड मेट्रो वर्क रोहिणी चले जाते, सेम प्राइस टू मच बेटर और हाँ मेड फॉर ईच अदर। अच्छा देखो मैं आपको बताता हूँ नीतू जी, कि मुझे नहीं पता था कि ये एक्चुअली मुझे कहाँ जाना है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कोमल जो है उधर की साइड ही रहती है, तो उसने कहा हमारी तरफ ये एडवेंचर पार्क वगैरह है वहाँ पे घूमने चलते हैं, कोई बात नहीं कभी मौका मिला तो हम रोहिणी वाले एडवेंचर आइसलैंड में भी जाएंगे जैसा कि आपने बताया, तो वो भी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच ये जानकारी देने के लिए कि आपने बताया कि कंपैरिजन में कि आप वहाँ चले जाते, ऑडियंस को भी ये पता लगना जरूरी है कि अगर आपको एडवेंचर पार्क मयूर विहार जाना हो तो आप आइसलैंड चले जा सकते हैं, रोहिणी वाले में वो इससे ज्यादा बेटर है। थैंक यू सो मच फैबुलस नीतू जी, मेड फॉर ईच अदर के लिए आपने जो बोला है, हाँ ये तो है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। नेक्स्ट कमेंट है @ChamaGoswami, मैं आपको बता दूं कि क्षमा गोस्वामी जो है वो मेरी भाभी जी हैं, तो उन्होंने कमेंट किया है बहुत मस्ती हो रही है और कोमल भी अच्छी लड़की है, दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो और कोई कुछ भी बोलने दो, ऑल द वेरी बेस्ट और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो थैंक यू सो मच भाभी जी, और मैं आपको जल्दी मिलवाने वाला हूँ अपनी भाभी जी से भी गाइज, और बहुत प्यारी भाभी है मेरी, भैया भाभी और उनके जो बच्चे हैं मेरे भतीजे, उनसे भी जल्दी मिलवाने वाला हूँ, तो थैंक यू सो मच भाभी जी। नेक्स्ट कमेंट है रविंदर कौर जी का, तुझ ब्रो कोमल का नाम लिया करो, लड़की लड़की मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता, आई होप सो आपको मेरी बात बुरी ना लगे, आपके सारे ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं। तो रविंदर कौर जी बिल्कुल बुरी नहीं लगी मुझे बात, इस बात के लिए मुझे बहुत लड़कियां टोक चुकी हैं, जब मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता था तो उसमें जो अलग अलग मॉडल्स और लड़कियां होती थी, तो मैं एक्चुअली किसी का नाम ध्यान नहीं रख पाता था, तो मुझे नाम जब मैं एग्जैक्ट मतलब एकदम से किसी को बुलाता हूँ तो मुझे नाम ध्यान नहीं रहता, तो मेरे मुंह से लड़की निकलता है, हाँ लड़के इधर आओ, लड़की इधर आ, तो मैं आगे से ध्यान रखूंगा, कोमल को कोमल ही बुलाऊंगा। तो थैंक यू सो मच इतना नोटिस करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है नीरू चांस गौतम का, अपनी मदर के साथ ब्लॉग बनाओ, जैसे कुकिंग के, विलेज लाइफ के, आस पड़ोस के अच्छे व्यूज आएंगे। मम्मी के साथ ब्लॉग बनाऊंगा, जैसे कि आपको हमने बताया था काम के चक्कर में थोड़ा इधर उधर जाना पड़ता है, वो चीज़ भी आपसे शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं मम्मी पापा भाई भाभी बहन सबके साथ ब्लॉग बनाऊंगा, अभी रक्षाबंधन आ रहा तो बहुत ज़बरदस्त आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाकी व्यूज़ वगैरह तो देखो कम आए ज़्यादा आए, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, मिले ज़्यादा मिले लेकिन प्यार मिले, नेगेटिविटी ना मिले वो अच्छा है। थैंक यू सो मच नीरू जी।
नेक्स्ट कमेंट है मनीषा शर्मा का, असली राज को खोल, अरमान ने तुम्हें और नितिन को घर से क्यों निकाला है। भाई मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आज मेरा इंटरव्यू भी आया है एक चैनल पे, आप देख सकते हो। तो भाई मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप ना घर बैठ के जो ये कमेंट करते हो ना भाई कि किसको निकाला है, वो निकाला है, अगर तो भाई तुम्हारा इसमें लाभ क्या है, मतलब क्या मिलेगा। मतलब मैं करेक्टली बिल्कुल ये बात बोल सकता हूँ कि भाई तुम वही लोग हो तो ये नेगेटिव कमेंट कर रहा है। मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं अपनी पॉजिटिव जो ऑडियंस है उसको नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ उसको बोल रहा हूँ ये बात कि तुम वही हो कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसको घर से क्यों मारा, उसको घर से क्यों निकाला, उसके वहाँ से वहाँ क्यों चले गए, जो पड़ोस में भी झांक झांक के भाई अपने करियर पे ध्यान दो, वरना यही ऐसे ही रह जाओगे। और मैं 100% कह सकता हूँ भाई, मनीषा शर्मा अच्छी खासी आप ब्राह्मण फैमिली से हो, पता नहीं नाम आपने लिखा ये ओरिजिनल है या नहीं है, पर मनीषा शर्मा जो शर्मा नाम वो लगाया ना, तो आप अच्छी ब्राह्मण फैमिली से हो। ब्राह्मण एक बहुत ही अच्छे शुद्ध विचार वाले होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, परमात्मा का नाम लो और जो चलना चलने दो। मेरे जितना संघर्ष जब तुम कर लोगे ना, ये कमेंट करना ही भूल जाओगे, ठीक है। अपने करियर पे ध्यान दो कि मैं इतना ही कहना चाहूँगा, तुम्हारी सोच, तुम्हें मुबारक। नेक्स्ट कमेंट है @मिली पटनायक का, भाई जी आपका व्लॉग कॉमेडी था। थैंक यू सो मच मिली जी, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हंसा सकूँ। अभी तो मैं इतने हंसी वाले जो है व्लॉग बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं और कॉमेडी वाले व्लॉग बनाऊंगा, जो मेरे अंदर की जो एक्टिंग है ना, कॉमेडी जो मैंने सीखी है और की है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट कमेंट है @जुगनी शॉर्ट का, हमारे भी शहर में ऐसा ही मेला लगा हुआ है, हम देखने गए थे। अरे वाह, तो बहुत ही अच्छी बात है जुगनी जी। वैसे ये जो मेला है, मैं बताता हूँ, ये सोनीपत जो है एक हरियाणा में पड़ता है, तो सोनीपत वालों का ये मेला है, ये सारे जितने भी सामान वगैरह हैं, इसमें झूले वगैरह वो उन्हीं का है, ये हर जगह लगाते हैं। तो हो सकता है आपके शहर में भी शायद इन्हीं का मेला जाता हो, क्योंकि ये कई जगह लगाते हैं। नेक्स्ट कमेंट है @अनामिका स्वामी का, अनुज डोंट केयर अबाउट रोस्टर्स, बहुत वेल्ले लोग हैं ये लोग, सीरियसली। बिल्कुल अच्छी बात कही है आपने, ये बहुत ही अच्छी बात कही है आपने कि अनामिका जी ये लोग बहुत ज़्यादा वेल्ले हैं। क्योंकि देखो, एक इंसान जब मैं अपनी आपको पूरी जर्नी जो है शेयर नहीं कर पाता, देखो शेयर करना चाहता हूँ लेकिन शेयर नहीं कर पाता, मैं आपको क्या शेयर करूँ, क्योंकि जो लाइफ में ना इतना स्ट्रगल होता है कभी कभी कि हर चीज़ शेयर नहीं की जा सकती। मैं नहीं चाहता कि देखो मेरे, मैं कई चीज़ें तो अपने घर वालों को भी नहीं बताता कि क्या चीज़ें मेरे साथ घट रही है या घटने, मेरी तबीयत भी कई बार ख़राब हो जाती है तो मम्मी बोलते हैं कि तुम बताते नहीं है, तू बताता नहीं है, तू बता तो दिया अगर कम से कम, तो मैं नहीं चाहता कि वो लोग परेशान हो, मेरी पॉजिटिव ऑडियंस को परेशान हो। लेकिन मैं अभी तक देखो मैंने जो है स्ट्रगल किया है, और भगवान की दुआ से आपके प्यार से मंजिल भी हासिल होगी, ऐसी बात नहीं है। तो बिल्कुल सच बात है, वो लोग वेल्ले हैं, उन्हें पता नहीं है। देखो एक्चुअली में घर से गाली खाते हैं, है ना, कि भाई कुछ कर ले, करते हैं वो, लेकिन ये वाले कमेंट करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। बहुत प्यारा कमेंट है आपका अनामिका जी। नेक्स्ट कमेंट है @हेमकांति पटेल का, हमेशा लड़की लड़की नहीं बोलना भाई, कुछ नाम तो होगा। थैंक यू भाई, अभी मैंने पीछे जवाब दिया इस बात का, तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या जवाब है। बाकी मैं आगे से ध्यान रखूंगा भाई, मैं बिल्कुल लड़की लड़की नहीं बोलूंगा उसे, वो भी सुन रही होगी भाई, पूरी भड़क जाएगी मेरे पे कि देख लिया लड़की लड़की, और मुझे टोकती भी थी वो कि लड़की लड़की मेरा नाम है, नाम से बुला लिया कर, तो भाई मैं बिल्कुल नाम से बुलाया करूँगा अब उसको। नेक्स्ट कमेंट है @किरणप्रीत कौर का, किरणप्रीत कौर वाओ क्या बात है। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी मम्मी का नाम भी किरण है, लिखा है फ्रेंड है जान भाई गर्लफ्रेंड, बाकी लड़की अच्छी है, नितिन भाई की तरह आपका भी सेनापति था, हमें पता नहीं। तो भाई देखो दोस्त भी सेनापति होता है, ऐसी बात नहीं है, बाकी अगर फ्रेंड है अभी तो गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है @कंचन मेहरा का, उसके बारे में बताओ जो चली गई थी, जिसको याद करके आप रो रहे थे व्लॉग में, वो राज खोलो। तो कंचन शर्मा जी, आपने बहुत ही जो है तार छेड़ दिए हैं दिल के, तो आपके कमेंट के मैं बस यही बोलूँगा कि देखो बताने से कोई लाभ नहीं है, और सोशल मीडिया पे तो मैं क्या ही बताऊँ इस चीज़ के बारे में, वो एक दौर था जो गुजर गया, वो मेरा एक दूसरा रूप था जो मर गया, अब मैं एक कलाकार हूँ जो ज़िंदा हूँ और आपके सामने एंटरटेनमेंट करता हूँ। तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए कंचन जी, और
कभी जरूरत पड़ी तो जरूर शेयर करेंगे आपसे। नेक्स्ट कमेंट है @ अमनदीप कौर जी ने दोबारा किया है कमेंट। किसी ने कमेंट किया है कि नितिन अपनी GF के साथ वीडियोस बनाता है, तो अनुज ने भी सेम कॉपी किया, तो उसके कमेंट का रिप्लाई करते हैं, कल को अनुज भाई शादी करेगा तो आप फिर बोलेंगे नितिन की कॉपी किया है तभी अनुज भाई। अरे भाई ये बात आपने सही बोला, और मैंने कल के व्लॉग में इस बात का जवाब भी दिया था कि भाई कॉपी मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, जिनसे आप कुछ सीखते हैं तो उनकी कॉपी भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, एक दूसरे को कॉपी करके ही इंसान कुछ ना कुछ करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नितिन भी मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तो मैं उसकी कॉपी भी कर सकता हूँ, बाकी मैंने अभी तक की नहीं है, करूँगा तो बिल्कुल भी बताऊँगा भाई, बिल्कुल बताऊँगा। लेकिन हाँ मैं वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कॉमेडी वीडियोज़ में या कोई भी हमें बनानी होती थी तो हम एक साथ बैठ के लिखते थे और बनाते थे भाई, तो बिल्कुल उसकी मेरी थिंकिंग बिल्कुल एक है, तो कोई दोराया नहीं है इसमें अगर हमने कॉपी भी किया तो। थैंक यू सो मच अमनदीप जी, आपने बहुत अच्छा रिप्लाई किया इस बात का। नेक्स्ट कमेंट है @ करिश्मा वाधवानी का, वाओ बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा दिल्ली देख के, और जैसे आप हर चीज़ के बारे में बताते हो ऐसा लगता है हम वहीं हैं। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच करिश्मा वाधवा जी इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। और देखो अगर कोई चीज़ हम देखने गए हैं उसको उसकी एक्सप्लेनेशन ही है और उसको दिखाने का तरीका ही है जो आपको ये बताएगा कि आप वहीं हो। मेरे से जितना हो पाता है मैं आपसे शेयर करता हूँ ये चीज़ें, जहाँ भी जाता हूँ उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट कमेंट है @ मीना अग्रवाल का, अनुज भाई आप जहाँ रहते हो वहाँ का होम टूर दो। अभी तो मैं कहीं भी जो है स्टे कर लेता हूँ क्योंकि दिल्ली में रहता हूँ, तो इसलिए मैं होम टूर तो क्या ही दूँ, बाकी मैं अपने जो मेरा पर्सनल घर है उसका होम टूर आपको जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है हमेशा की तरह पास्थाना करीमी जी का, माई डियर ब्रदर अनुज यू डिड ए ग्रेट जॉब, अमेजिंग टैलेंटेड यंग मैन, लव यू फ्रॉम अमेरिका योर सिस्टर। थैंक यू सो मच सिस्टर पास्थाना करीमी जी, हर बार कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यार आता है अपनी बहन के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने मेरे टैलेंटेड को मतलब मेरे टैलेंट को पहचाना है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है अन्नू ठाकुर ब्लॉग का, नाइस भैया बहुत अच्छी ब्लॉग बनाते हो, हल्द्वानी से देखते हैं आपका ब्लॉग, खुश रहो, नाइस फैमिली अनुज भैया बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच अन्नू जी, हल्द्वानी से मुझे देख रहे हो तो बस ऐसे प्यार देते रहिए, कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट कमेंट है @ मधुबाला मीना जी ने एक बार फिर कमेंट किया है कि भैया आपको देखकर सच में बहुत हंसी आई और पुलिस को देखकर आपके साथ प्रैंक होने वाला था। हाँ तो मैं आपको बता दूं कि वो प्रैंक बहुत ज़्यादा डेयरिंग था जो मैंने किया मधुबाला जी, और उसमें पुलिस आ गई थी और पुलिस ने देखा कि इतनी भीड़ जमा हो गई है, ऐसा क्या चल रहा है यहाँ पे, तो फिर हमने बोला कि जी कुछ नहीं हम तो प्रैंक कर रहे थे बस ऐसे ही, तो उन्होंने बोला कि ऐसे मत करो भाई यहाँ भीड़ लग जाती है और ये वो, और जबकि हम बहुत शांत एरिए में थे, तो कोई बात नहीं होता रहता है, आपको एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ रिस्क तो लेने पड़ते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आज के लिए इतने कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगा, तो तब तक के लिए मैं अलविदा चाहता हूँ, बस ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए, और भाई नेगेटिव कमेंट वालों को यही कहना चाहूँगा कि बस अपने काम में ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बाय बाय, गुड नाइट।